खाट पर लिटाओ, इसे खाट पर लिटाओ यार, बच्ची को, बच्ची को खाट पर लिटाओ। इसे बेचारे कितने मारा, किसने मारा तुझे, किसने मारा बता। बोल बोल, पागल हो गए यार, बच्ची डर रही है, बहुत डर रही है बच्ची यार। बेटा चुप जा, इसे पानी पिला दो यार, कोई पानी कहाँ है। कितना मारा है बच्ची को, बताओ बताओ। अरे यार देख तो लो कितना बुरा हाल करा इसका। ये डॉक्टर साहब, ये पहले तो भर्ती करा मेडिकल करवाओ, मेडिकल बात क्या हुई, बात क्या हुई, इसके हाथों कट्टे सूझे पड़े सर, ऐसे ये पूरे बदल पे, इसके पूरे बदल पे। चल बेटे चलो जाए, करो अस्पताल ले चलो। सुन ले तू, किसे हाँ, किसे किसे फोन कर रही है, कब मारा उसे, कितने मारेगी, जान से मारेगी उसे, मैंने कब मारा बताओ है? किसने मारा, भूतों ने मार दिया उसे, मैंने कब मारा है। अबे रुला के ना करिए, नीचे बुला रहा है आपको, बुला उसे, बुला अंदर ही आ, जल्दी बुला दे। वो लौंडिया इतनी मार लेगी ऐसे करके, अरे कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है यार, इतनी मोटी मोटी से मारी ये पूरी रात से गायब है, पता नहीं कहां गायब है, गांधी घर का आगे लिए बोले, अभी गायब करेंगे। छोटी बच्ची है वो क्या करेगी वहां, घर से बाहर सो रही बेचारी, वो ये सब घर में गांधी घर का आगे सोइए, बाहर पूरी रात ठंड के अंदर मारा उसे, आज पूरी रात से गायब रही है वो, उसके भी हां नीचे नीचे को उतार, नीचे को उतार, बोला नीचे को उतार, फोन आ रही है, में है ये हम, ये देखो हां इधर देखो, फोन देगा किसका है, नारंगपुर की। अम्मी ने मारा, अम्मी ने मारा, अबू ने मारा, सोतेली। कब से मारती आ रही हूँ, कब से मारती आ रही हूँ, लेकिन मैं भी बितेरे साल हो गए मारती रहती हैं। तो कभी गांव वाले बचाते हैं तो कुछ कहती हैं, वो कुछ भी ना, बस और दूसरों के बारे में केस लगा दें तुम्हारी मम्मी। हाँ तो आज जो मारा है तुम्हें इतनी बुरी तरीके से, तो अब क्या चाहती हो तुम? हम तो बस अपने ताऊ चाचा के पास रहना चाहते हैं, उनके पास रहना नहीं चाहते ना। क्या सुना डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा। ये बच्ची का शानिया नाम है और ये हमारे पास आई है अभी, इसकी हालत जो है ज़्यादा गंभीर है, बहुत चोटें लगी हुई हैं, पूरे जिस्म पे चोटें हैं और अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमने जो है फर्स्ट एड दी है, अब काफ़ी सुधार है, पहले से सांस ले रही है और लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। क्या क्या लगता है आपको, किस तरीके से पिटाई हुई होगी इसकी, क्या लात घूसों से, डंडों से, मुझे लगता है उनकी चोटें हैं। कहाँ पर इसको, मतलब पूरी कमर में, छाती पे, सर पर, टांगों पे, कोई जिस्म का हिस्सा नहीं है जो बचा है। क्या रेफर केस है ये, हमारे पास रेफर आया जो ऐसे, इसको यहाँ से रेफर किया जाएगा? नहीं अभी तो नहीं, अभी हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अगर हमें लगेगा तो उसको आगे रेफर करेंगे। फिलहाल कंडीशन क्या, फिलहाल कंडीशन अभी सुधरी हुई है। बबलू खान बताइए, मैं ग्राम नारंगपुर का हूँ और ये जो बच्ची है ये हमारे मोहल्ले की है और इसको बहुत पीड़ित किया जाता है हर एक मामले के अंदर। इनकी जो मदर है, मतलब इनकी मम्मी है, वो दूसरी मतलब सौतेली माँ है, वो सौतेली माँ भी इतनी बेरहमी से नहीं मार पाएंगी अपना बच्चे को या दूसरे के बच्चे को भी, जैसे इन्होंने उसे पीड़ित किया है। किस किस तरीके से मारते हैं इसको, हर एक तरह से पीड़ित करते हैं, डंडों से, लाठियों से, इस तरह से इसकी चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है जैसे किसी को, कैदी को या किसी तरह से डंडे या और मतलब राडों से बरसा उसके अंदर मारा जा रहा हो उसको। बच्ची का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम सानिया है और इसकी माँ और बाप का नाम क्या है? इसके पिताजी का नाम सबाबुल है और इसकी माता का नाम सबाना है, सहाना।
तो सौतेली माँ होने के कारण इसे मार दिया। हाँ, सौतेली माँ के होने के कारण ज़्यादा मार दिया। आज भी जो हमारे साथ दरोगा जी थे दीवान जी, वो हमने 100 नंबर पर कॉल करी थी, दीवान जी आए और इसने बड़ी मुश्किल से गेट खोला और हम अंदर गए। दीवान जी ने वीडियो भी बना रहे थे, दीवान जी ने के ही सामने हम भी वहाँ पर थे, काफ़ी लोग गाँव के मौजूद थे और उन्होंने क्या करा, अपने एक चाकू उठाया और दीवान जी को डराने लगी, कह जी मैं अपनी नस काट लूँगी और आप यहाँ से जा रहे हो या मैं अपनी नस काट लूँ। तो इसको हमने बड़ी उससे समझा के चाकू इससे छीना और वरना तो ये अपने हमला कर रही थी हमारे पे, सब पे ये केस लगवाती है। इस पे इनने गांव में कम से कम 20 लोगों पे इनने 76 लगवा चुकी है। इस कारण इसी कारण लोग बाग इसके खिलाफ थोड़ा सा समझाते हैं या कुछ करते हैं इसीलिए 76 लगवा देती है। बच्चों को जो, हाँ, बच्चों को ना पीटें, बच्चों जब इतनी बेरहमी से पीटती है तो बिल्कुल बिल्कुल फर्जी मुकदमा अभी चल रहे हैं लोगों पे। अब ऐसे हालात में जो आज ये हुआ है तो आज सब लोग इकट्ठे होके आए, बिल्कुल ये गाँव वाले सब और मोहल्ले वाले हैं और क्या नाम है सभी एक साथ हैं। अब आप लोग अगर बात करें तो आप लोग इसके रिश्तेदार नहीं है गाँव वाले, बिल्कुल, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसके लिए प्रशासन से न्याय चाहते हैं और इसको जो पीड़ित किया गया उनको जो पीड़ित करते हैं उनसे सख्त कार्रवाई चाहते हैं और आगे से ऐसा ना हो उसके इसकी मांग भी करते हैं।